सरकारी योजनाओं में पारदर्शिता लाने और पात्रों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाने के लिए हरियाणा की मनोहर सरकार लगातार प्रयासरत है और इसी कड़ी में सरकार ने बीपीएल कार्ड के नाम पर फर्जीवाड़े पर कड़ा प्रहार करते हुए ऑनलाइन आवेदन प्रक्रिया की शुरुआत की और लाभार्थियों को बीपीएल कार्ड वितरित किए। इस दौरान उन्होंने पंचकुला में नए बीपीएल राशन कार्ड वितरण के राज्य स्तरीय समारोह में लाभ पात्रों को संबोधित करते हुए कहा कि बीपीएल कार्ड के ऑनलाइन आवेदन की ये प्रक्रिया लगातार जारी रहेगी और अब इसके लिए किसी विशेष सर्वे की जरूरत नहीं पड़ेगी। उन्होंने कहा कि प्रदेश का प्रत्येक ऐसा परिवार जिसकी मासिक आय 15,000 रुपए तक है वो बीपीएल कार्ड के लिए पात्र माना जाएगा। पहले ये सीमा 10,000 रुपए मासिक थी। बीपीएल कार्ड्स जिससे बहुत सी सुविधाएं सरकार की ओर से ऐसे गरीब लोगों को मिलती हैं जो पॉवर्टी लाइन से नीचे हैं, इनके कार्ड बनाने का जो क्रम है वो प्राय बंद हुआ हुआ था। 11 साल के बाद आज एक साथ 56,000 कार्ड बनाए जा रहे हैं और अब हमने ये जो बीपीएल के कार्ड हैं, चाहे वो गुलाबी कार्ड हैं या पीले कार्ड हैं, इसके बनवाने की प्रक्रिया आज से लगातार खोल दी है। इतना ही नहीं, पंचकुला को सौगात देते हुए सीएम मनोहर लाल ने 93,29,00,000 की 9 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया, जिसमें ताऊ देवीलाल खेल परिसर में खेल भवन, महानिदेशक कारागार मुख्यालय का विस्तार भवन और कालका क्षेत्र के 47 गांव के दुग्ध उत्पादक किसानों के लिए मिल्क यूनियन अम्बाला की तरफ से बनाया जा रहा मिल्क चिलिंग सेंटर शामिल है। मनोहर सरकार का मुख्य उद्देश्य गांव और गरीबों तक योजनाओं का लाभ पहुंचाना और विकास के पथ पर प्रदेश को आगे बढ़ाना है। आदनाई टीवी के लिए पंचकुला से तारा सिंह की रिपोर्ट।